अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का इस ब्लॉग हम दोबारा अपनी छत पर आ चुके हैं। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि यार वो पिंजरा जो है ना जैगजील का घर, वो काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था। तो आज जो है ना दोबारा भाई आए हैं और हम उसको कम्प्लीट करेंगे। अजानें भी शुरू हो गई हैं मगरिब की, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वह। तो अभी जो है ना आप लोग देख सकते हैं यार, मेरे बाल पिछली वीडियो में बड़े थे, अब छोटे हैं। आज यार कटवा के, और देखो मेरी आँखें भी दोनों ठीक हो गई हैं, काफ़ी हद तक बेहतर हैं। और ये जैक जी यहाँ पे, अजान हो जाए ना उसके बाद आप लोगों को बाकी का जो है ना सेटअप दिखा दो, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं यार आप लोगों को भी। सर ये भी बन गए हैं, तो अजानें भी हो चुकी हैं। और अभी जो है ना मैं आप लोगों को जो थोड़ा बहुत मैंने पहले दिखाया था अजानों से पहले कि ये थोड़ा बहुत बन रहा है, तो अभी वो आप लोगों को दोबारा से दिखा देते हैं। और जो कल मैंने यहाँ पर पड़े हुए सरिये दिखाए थे ना, यहाँ पर पड़े हुए थे इधर ये मेरे पीछे ही, ये इस जगह पर पड़े हुए थे सरिये, और वो वाले सरिये भी जो है ना आज कटवा लिए, तो आज वो भी जो है ना पिंजरे के अंदर जो है ना लग जाएंगे सही से। यहाँ पर पड़े हुए थे तो वो भी जो है ना अब कट चुके हैं सरिये, और वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, ये लग रहे हैं ये वही हैं। और यार पास से दिखाते हैं, ये देखो ये वही सरिये हैं जो है ना पूरे तरीके से अच्छे से कटे हैं, और ये बहुत सारे हैं, वो देखो वो वहाँ तक है ये। और थोड़े बहुत भाई लेके वहाँ पर चले गए जो वहाँ पर लग रहे हैं, जैसा मैंने कल बताया था यार बाद में कि यहाँ पर ये ऐसे लगने थे सरिये, तो वहाँ पर ये लग रहे हैं, ये लग जाएंगे ना। तो इसके बाद वो यहाँ पर दरवाज़ा वगैरह लगाएंगे, और ये देखो ये फिट करने के लिए ना वहाँ पर दीवार के साथ ये सामान वगैरह भी ले आए हैं, तो ये काम तो पीछे जाना होता रहेगा आराम से है ना। जिससे कल ये जो है ना पिंजरा तैयार हो रहा था इनका घर, तो अभी वो देखो वहाँ पे इन्होंने जो है ना मैं दिखा दूँ तो वेल्ड करके इसको साथ जो है ना सरियों को लगा दिया है। तो अब जो ऊपर नीचे के जो होंगे ना पार्ट जो सही नहीं होंगे उन्हें कट कर देंगे, बाकी ये तैयार हो जाएगा। फिर ये देखो ना इधर ये प्लांट वगैरह सारा कुछ है, ये वायरिंग है सारी, ग्राइंडर भी है, देखो ये यहाँ पर ये वेल्ड हो रहा है ऐसे होके, ये वेल्ड हो जाएगा सारे तो इसके चिपक जाएगा जैसे ये ऊपर से चिपके हैं ना। बाकी जो ऊपर वाला ये नीचे वाला जिसका होगा इसे काट देंगे ऊपर से, फिर ये पूरा तैयार हो जाएगा। ये उधर होगा, इस साइड भी पूरा होगा, अभी इधर भी होना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें भी। ये देखो ये एक साइड का ये हो चुका है, चार सरिये ये एक कह लो इतने ब्लॉक के अंदर लगे हैं चार सरिये, और दो जो है ना ये जो आधा इधर था ना उसमें दो लगे हैं, यानी इधर भी दो लगेंगे और इधर फिर चार लगेंगे, और इधर फिर चार से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वो जगह जो है ना वो साइज़ थोड़ा सा उसका बड़ा है, थोड़ा सा साइज़ उस वाली साइड का, इधर भी चार से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये जो है ना पूरा इक्वल है। बस ये एक दफ़ा तैयार हो जाए ना फिर ये अपने जैगजील को जाना है, एक दफ़ा इसके अंदर छोड़ कर जाना, चेक करेंगे कैसे रहते हैं, सही से रहते हैं पिंजरे के अंदर या नहीं। और एक बजे सही से बस इसके अंदर जो है ना सही हो जाए ना, तो फिर इसका मतलब काम जो है ना डन हो जाएगा इनको। फिर इसके अंदर जब हमने बंद करना होगा इसके अंदर बंद कर देंगे सुकून से। अभी देख के आए सही जैक जी आखिर कर क्या रहे हैं ऊपर, इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे अपने, नहीं वो देखो वो रहे झूले के पास थे, ये देखो झूले के पास थे दोनों, कुछ खा रहे थे, तो नहीं क्या खा रहे थे यार वहाँ पे। तो ये झूले को भी जो है ना साइड में वेल्ड करवानी है, वो भी देखेंगे कब होती हैं। तो अभी जो है ना फटाफट से नीचे ही चलते हैं, ताकि ये वाला जो है ना सारा सारा ये काम भी करवाना है, ये काम हो जाए ना इसके बाद फिर ये काम ख़त्म हो जाएगा, फिर देखेंगे इनके लिए फिर और सामान लाना होगा जैक जी का, फिर वो लेने चलेंगे किसी दिन। तभी यहाँ पर ये चार सरिये जो है ना इसके साथ ये बिल्कुल फिट हो गए हैं, ये दो भी हो गए हैं, यानी छः सरिये पूरे हो गए हैं। ये वाला सरिया यहाँ पर ही फिट होगा सही से, फिर उसके बाद ही इसको ऊपर से हम कट कर देंगे। तो ये यहाँ पर ये सरिया लग जाए ना उसके बाद ये इस जगह पर भी लग जाएँ और इस साइड पर भी लग जाएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को जो है ना पूरा जो है ना इसका इतने का रिजल्ट दिखाएंगे कि इतने लगने के बाद कैसे लगते हैं। फिर बाकी का जो आप लोग यार वीडियो बनती रहेगी, फिर वो लोग आप लोग वीडियो में बनते हुए लगाते हुए इसको देख लेना, ये वाले चेक कर लो ऐसे लगे हैं पूरे। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर उस वाले दरवाजे में वीडियो बनाऊँगा, वो देख लेना यार कैसे लग रहे हैं दरवाजे पर, कैसे लग रहे थे ये। तो अभी शाम का भी टाइम हो गया, तो मेरे ख्याल से जैसे कल की वीडियो में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं ना आया था, रात को फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो बनानी पड़ी थी,
वैसे मेरे ख्याल अभी भी करना पड़ना है, लेकिन कोई बात नहीं कर लेंगे। तो अभी वहाँ पर जो है ना अभी वो अच्छे से वेल्ड वगैरह हो जाए, फिर मैं आप लोगों को जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। चलो फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी मोबाइल की, मुझे पीछे काम हो रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले इस साइड वाले लगेंगे, उसके बाद ही इस वाली साइड पर लगेगा, लेकिन पहले इस वाली साइड पर लगा, बाद में वो दूसरी वाली साइड पर लग रहा है अब। तो इसका दरवाज़ा जो है ना, इसका दरवाज़ा आएगा इधर इधर, ये बीच वाला हटेगा, एक दरवाज़ा आ जाएगा इधर, ये लग गया पूरा, कंप्लीट हो गया, उधर कंप्लीट हो गया, इधर का बस वो एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया, सारे ही हो गया, बल्कि यहाँ पर तो लगना नहीं है, दो दरवाज़ा है वहाँ पर बस लग जाएगा, फिर वो दो हिस्से रह जाएंगे, वो हो जाएंगे तो फिर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा अपना। और फिर उसके बाद बस ये ऊपर ऊपर का जो है ना जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बस ऐसे कट होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा सारा इसका काम। तो अभी तो काम हो रहा है ये वाला, ये देखो ये ऐसे मैंने कहा था ऐसे लगेगा यहाँ पर, ये तो बिल्कुल बराबर अच्छा नहीं लग रहा, जेल की तरह बिल्कुल सही लग रहा है कि अंदर ही बंद होंगे सही भी रहेंगे, ऊपर छत डल जाएगी ताकि बारिश वगैरह से बचे रहें वो दोनों। तो ये इधर वाली साइड का जो है ना बिल्कुल कोने में आया, मतलब लास्ट पार्ट इसका, फिर दूसरी वाली दूसरे वाले जो है ना पिंजरे का शुरू हो जाएगा काम, जैक के घर का, जैक जूली में से किसी दोनों में से पता नहीं कौन सा किसका घर होता है, तो उसका जो है ना काम वगैरह शुरू हो जाएगा अभी। ये एक जगह सरिया लग जाए ना फिर ज़रा काम काम होगा, ऐसी जो है ना दूसरी साइड पर तकरीबन ये इतने सरिये लगेंगे, दूसरी उस वाली साइड पर और इधर वाली साइड पर जो है ना ये इतने सरिये, देखो ये छः सरिये लगेंगे, मतलब ये तो जल्दी हो जाएगा भाई ये काम, ये वाला बस हो जाए, ये नीचे नीचे से रह गई थी जगह यार, वो जितना मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था उतना हो गया, और बाकी जो है ना वो एक साइड पर यहाँ पर लगा तो दिया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा लगना था तो वो अभी जो है ना चेंज कर दिया साइड, तो यहाँ पर पहले जो है ना लगा था, लेकिन अब यहाँ से हटा के उस वाली साइड पर लगा रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा था यार दिखाऊंगा लगाते हुए, तो ये देखो यहाँ पर लग रहा है, बस अब ये कोई दो से तीन सरिये और लगेंगे और ये फिर मुकम्मल हो जाएगा पूरा। तो ये ज़रा हो जाए ना, फिर यहाँ पर इसको ऊपर कटिंग करते हुए और नट लगाते हुए आप लोगों को दिखाते हैं। यार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे ये जैसे सरिये वगैरह लगने कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने दिखाया था कि लास्ट वाली जगह पर सरिया लग रहा था वहाँ पर सरिये लग के कम्प्लीट होगा, जो ऊपर जो छोटा छोटा इतने इतने जो ऊपर की साइड पर उसके निकल रहा था जो बच रहा था वो भी जो मैंने आपको बताया था कटिंग होगा तो वो कट हो चुका है, बस एक साइड का रह गया है। ये देखो ये यहाँ पर ऊपर ऊपर था ना, देखो ये यहाँ से जो है ना ये अभी अभी सारा कट हुआ है, उस साइड का भी कट हो गया है, और ये जहाँ पर अब जहाँ पर लगा था यहाँ का भी कट हो गया, इस साइड का रह गया इतना इतना, ये अब कट होने लगा है बस। और दरवाज़ा लगाना होगा, दो काम रह जाएंगे, वो या तो आज होंगे वरना कल की वीडियो में होंगे, कल होंगे मतलब, अगर तो आज होगा तो इसका मतलब और भी ज़्यादा सही काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएंगे, वरना अगर कल होंगे तो फिर अगली वीडियो में आप लोग देखना। तभी तो फिलहाल ये सरिये कट हो जाए, उसके बाद नट लगेंगे, यहाँ पर सरिये वगैरह कट हो जाए ना, शोर बड़ा हो रहा है तो ऑडियो जो है अपने से मेरे ख्याल से रिकॉर्ड नहीं हो जा रही, तो ज़रा ये सरिये कट हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाकी। तो अभी जो है ना यहाँ पर सरिये वगैरह कट हो गए सारे के सारे, और यहाँ पर जो दरवाज़ा लगना था ना दरवाजा, अब सेम इसी तरह दूसरा वाला दरवाज़ा ऐसे ही कट होगा और फिर यहाँ पर फिट करेंगे। जैसा मैंने बताया था ना ये दरवाज़ा, ये पहले तो ये एक ही था, वो वाला जो पीस नहीं है उसमें से आधा ही कट की है, और ये इस साइड वाली पे जो है ना ये लाइन, ये लोहे का ये पीस ये ऐसे यहाँ पर लगाया, बाकी का ये जो है ना वैसे ही था, और ये हुक वगैरह उतार दी है। अब यहाँ पर बस ये पतरी लगेगी क्योंकि जाली बाहर निकल आई है ना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कट करके ये पीस दूसरा लगा हुआ ये वाला, तब ऊपर ये पतरी लग गई और ये फिर और फिर ऐसे यहाँ पर एक पतरी लग जाएगी, और पतरी लगने के साथ ही जो है ना ऊपर इसको वेल्ड कर देंगे साथ, उसे जोड़ देंगे, फिर ये जाली जो है ना बाहर नहीं आएगी। ये वाला तो यहाँ पर वही बनाना पड़ा क्योंकि अब इसको ऐसे तो नहीं ना लगा सकते थे, क्योंकि इन दोनों को फिर बराबर करना था ताकि यहाँ पर लगे, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर ये थोड़ा सा पीस काट करके यहाँ पर ये लगानी पड़ी, तो जाली बाहर निकले इस वजह से पतरी यहाँ पर लगाएंगे ताकि जाली बाहर ना निकले। वो वाला तो पहले का ही कह लो बना बनाया था, वो बस यहाँ पर लगेगा यूँ खोलने बंद होने के लिए, ये वाला बस बना के वहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये खुद बनाना पड़ा था यहाँ पर, ये सेंटर वाला कट होगा बस, फिर उसके बाद उसका काम डन हो जाएगा।
यार ये देखो मैं पिंजरे के अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं बंद हो गया हूँ पिंजरे के अंदर। ये देखो ना यहाँ से उधर जाने की जगह है, ना यहाँ से बाहर जाने की जगह है। दरवाज़ा दरवाज़ा लगा नहीं हुआ, टाँप के जाना पड़ेगा। सरिये ऊपर से कटवा दिए, खतरा वतरा है कोई नहीं। और बाहर कुछ ही मेरे दोस्त खेल रहे हैं अपना खेल वगैरह। तो यहाँ पर ये देखो यार यहाँ पर मैं बंद हो गया हूँ। चल तो यार यहाँ पर जो है ना इसकी कटिंग वगैरह तो हो गई थी दरवाजे की, तो अभी यहाँ पर बस फिक्स हो रहा है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर ये लग गई है, पक्का हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर सरिये लगेंगे, यहाँ पर भी ऊपर सरिये लगेंगे और दरवाज़ा लग के तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पर जो है ना लग जाना एक बार, सरिये ऊपर लगेंगे उसके बाद। वीडियो ना यार गाइस पहले ही बड़ी लंबी हो गई है, मैं चाह नहीं रहा था ऐसे इतनी लंबी वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, अब काम हो रहा तो पूरा काम होते तो दिखाए ना यार हुआ क्या असल में। चलो यहाँ पर देखते हैं, अभी ये दरवाज़ा जो है ना ये भी वेल्ड हो रहा है, बस दूसरा वाला यहाँ पर फिर होगा उसके बाद ये डन हो जाएगा काम। फिट हो गया भाई बिल्कुल अच्छे से। और दरवाजे के आगे एक लगाना था कुंडा नॉक उसका, जिसके अंदर जो है ना उसका वो ताला जो है ना लग जाए आराम से, जो है ना वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना अभी वही लग रहा है ना, यहाँ पर बस ये फिट हो जाए ना, फिर उसके बाद दरवाजे का ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके हो गया, ये भी लग गया। अब वहाँ पर बस जो है ना अंदर से वो जो एक वो नहीं है न्यू रॉड, वो बस कटेगी और उसके बाद वहाँ पे वाली रॉड कटेगी और दरवाज़ा लग जाएगा एकदम फिक्स सेम इसी तरीके से। देन इसमें डिफरेंट क्या है, अब इसमें ये चीज़ ऊपर को है, उसकी कुंडी ऊपर को है, इसमें उसमें कुंडी ऐसे को है, तो इस वजह से ऐसे लगा इसमें ऊपर लगेगा क्योंकि कुंडी ऊपर को है इसकी। तो ये वाला बस फिट हो जाएगा ना, उसके बाद ये अंदर की रॉड कटेगी। अब बस यहाँ पर वो लगेगा दरवाज़ा, फिट हो जाएगा अपना जी, यहाँ पर होगा ऐसे का काम गया यार कहीं पर है मेरे घर से भाई के पास ही है, वो लगाएंगे इधर दरवाज़ों का फिट करने के लिए। मुझे को जीरा एक जीरा बजे यहाँ पर लगेगा ऑलरेडी। अभी 19 मिनट की वीडियो हो गई है, 20 मिनट की पूरी होने वाली है वीडियो बस। उसमें भी टाइम लगा था यार, ये लगा था सारे कुंडे लगे थे इसके नीचे, इसके पाँव की वाली जगह पे लगा था। तो आज वैसे ही बस सरिये बन के लग गया, दरवाज़ा लग गया और ये साथ में वो दीवार के साथ ही फिट हो जाएगा और उसका काम ये पूरा हो जाएगा। फिर ये वाला एक फिट हो जाए ना, फिर आप लोगों को जो है ना मैं दिखाता हूँ बाकी का। यार उस वक्त असल में ये काम वगैरह जो है ना सारा हो ही गया था, मैंने कहा था काम तो ये होता रहेगा, मैं थोड़ी देर बाद भी आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी मेरे साथ मेरा दूसरा दोस्त और आ गया जैन, तो ये मून मेरे के ब्लॉग में भी आया है आप लोगों को पता होगा। तो अभी जो है ना यहाँ पे ये इनका केज वगैरह सही बन गया भला। तो यहाँ पर ये दरवाज़ा मैंने उस वक्त आप लोगों को दिखाया था, ये पूरा लग गया, यहाँ पर तेल वगैरह लगाया था क्योंकि खोल नहीं रहा था। तो अब ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट, ये खोल भी रहा है, बंद भी हो रहा है, अंदर जगह भी है। और इस वाले का ये हुक सीधा ऊपर को ही लग गया क्योंकि ऊपर को था, मैंने बताया था। अब यहाँ से ये देखो ये उससे भी ज़्यादा स्मूथ खुल रहा है, बंद हो रहा है। अब जो है ना ये अंदर ये अलग हो गया भला, ये एक का है और ये वाला दूसरे का, ठीक है ना। ये देखेंगे यार किसी के भी रख सकते हैं, देखेंगे यार। अब ये ऊपर भी है ना, कल इसके ऊपर छाता आ जाएगी यहाँ पे, और पेंट भी कल होगा, तो वो आप लोगों को कल के ब्लॉग के अंदर जो है ना देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर काम हो जाएगा, और यहाँ पर जो अलग अलग ये चीज़ें पड़ी हुई ना, ये उसका आधा हिस्सा दरवाजे का, ये बाकी के। और ये कल के वीडियो में आप लोगों ने सरिये देखे होंगे, ये सरिये कैसे थे टेढ़े मेढ़े, अब ये देखो बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, दिखाना दे रहा ध्यान।
बिल्कुल स्मूथ हो गए सर भी। तो आप फिर जो है ना, मैं फिर आप इस वीडियो को, इस वाले ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं मिलूंगा अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।